अपने आप को बाप ऑफ चार्ट कहे जाने वाले मोहम्मद नासिर के अगेंस्ट सेबी ने सख्त रवैया अपनाते हुए एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की और उसमें पाया कि वो एक स्कैम रन कर रहा है और लोगों के साथ फ्रॉड करके उनसे पैसा कलेक्ट कर रहा है अपने कोर्सेज और सेमिनार्स के नाम पर। और इस वीडियो में आज हम सेबी की उसी रिपोर्ट को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि इस रिपोर्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है हमारी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कम्युनिटी पे, और जानेंगे कि कैसे आप अपने आप को इन पॉसिबल स्कैमर्स से सेफ कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में सीखते हुए आगे कैसे बढ़ा जा सकता है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि सेबी ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है मोहम्मद नासिर के अगेंस्ट। अब हमने आपके सामने सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का इंटरिम ऑर्डर कम सो कॉज नोटिस जो है वो ओपन कर लिया है। इसमें जो मेन एक्यूज्ड है वो है मोहम्मद नसरुद्दीन अंसारी, जिन्हें हम नासिर नाम से भी जानते हैं, जो अपने आप को बाप ऑफ चार्ट बोलते हैं। सेकंड एक्यूज है राहुल राव, थर्ड है तबरेज अब्दुल्ला, फोर्थ आसिफ इकबाल वानी, फिफ्थ है जो गोल्डन सिंडिकेट वेंचर जो एक कंपनी ये चलाते थे वो उस कंपनी का नाम है, सिक्स्थ है मनसा अब्दुल्ला और सेवन्थ है जाधव वामसी। पूरा नोटिस आपके लिए मैंने पढ़ा है और उसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने आपके लिए पहले ही हाईलाइट कर दिए हैं, जिससे बहुत कम टाइम में कुछ ही मिनटों में मैं आपके साथ इस नोटिस को डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर सकूं। अब आगे देख लेते हैं। लिखा है द एग्जामिनेशन पीरियड इन द इंस्टेंट मैटर इज फ्रॉम जनवरी 1st 2021 टू जुलाई 7th 2023। जो ये इन्वेस्टिगेशन सेबी का चला है ये 1st जनवरी 2021 से लेकर 7th जुलाई 2023 तक चला है। हालांकि इसमें और भी पीरियड्स के कुछ रेफरेंस उठाए गए हैं वो भी इंक्लूडेड है, लेकिन जो मेन इन्वेस्टिगेशन है इस पीरियड को टारगेट करके किया गया है। सेकंड पॉइंट में लिखा है इट वाज ऑब्जर्व दैट द अंसारी इज प्रमोटिंग हिमसेल्फ एज स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड ल्यूरिंग इन्वेस्टर्स क्लाइंट्स टू इनरोल फॉर वेरियस एजुकेशनल कोर्सेज। वो अपने आप को एक बहुत बड़ा शेयर मार्केट गुरु दिखाता था और लोगों को लालच देता था इन्वेस्टर्स को कि उनका जो एजुकेशनल कोर्स है शेयर मार्केट का वो आए और उससे खरीदें, जिसे वो बाप ऑफ चार्ट नाम से भी प्रोप्राइटरी एक फर्म थी उसके जरिए भी बेच रहा था, पर्सनल अकाउंट के जरिए भी बेच रहा था। नासिर इज फाउंड टू बी प्रोवाइडिंग बाय सेल रेकमेंडेशन इन प्राइवेट ग्रुप। वो कुछ प्राइवेट टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स भी रन करता था जिसमें वो बाय और सेल सिग्नल देता था, वो रेकमेंडेशन भी कर रहा था और साथ साथ उनके लिए एक मोटी फीस भी लोगों से वसूल रहा था। आगे देख लेते हैं इस ऑर्डर में। इसके जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं मैंने आपके लिए शॉर्ट में हाईलाइट कर दिए ताकि कम से कम टाइम में मैं आपको सारी चीजें इन डिटेल समझा पाऊँ, ठीक है। बिजनेस एक्टिविटी जो थी वो थी कोचिंग एंड वर्कशॉप, जो मेन इनका टारगेट होता था लोगों से पैसा इकट्ठा करने का। ये इनकी जो डीमेट अकाउंट डिटेल है और फ़ोन नंबर वगैरह, जो अदर ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, बैंक अकाउंट, ये सारी डिटेल्स हैं। इस ऑर्डर में लिखा गया है कि नासिर कंडक्ट्स ऑफलाइन वर्कशॉप पर्टेनिंग टू सिक्योरिटी मार्केट। उसने एक ऑफलाइन वर्कशॉप भी चलाई 13 सितंबर 2022 में। YouTube चैनल बाप ऑफ चार्ट पे इसका उसने डिटेल शेयर की थी। सेबी ने एक स्क्रीनशॉट भी रेफर किया है जिसमें बताया गया है कि 80,000 प्रॉफिट इन लाइव ट्रेडिंग विद 500 प्लस स्टूडेंट। 500 से भी ज्यादा लोगों के सामने 80,000 रुपए का लाइव प्रॉफिट करके दिखाया गया, ऐसा स्क्रीनशॉट में दावा किया जा रहा है। ऑनलाइन एक्टिविटी भी काफी सारी चिन्हित की गई सेबी के द्वारा, और इन सब जो सेमिनार और कोर्सेज होते थे इन सब के जो मेन बेनिफिशरीज थे वो बाप ऑफ चार्ट, पद्मती राहुल राव, गोल्डन सिंडिकेट वेंचर प्राइवेट लिमिटेड, मोहम्मद नसरुद्दीन अंसारी, ये चार इसके मेन बेनिफिशरीज थे। 19 कोर्सेज वर्कशॉप रिलेटेड टू सिक्योरिटीज मार्केट वर बीइंग सोल्ड। 19 कोर्स और वर्कशॉप ये बेच रहा था अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन सेमिनार्स के जरिए। इन सब की डिटेल्स यहाँ पे दे रखी है और एक्चुअल प्राइस और ऑफर प्राइस जो था इसके अकॉर्डिंग ये भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। देखो 1500 रुपए से लेकर 51,000 रुपए तक की वर्कशॉप ये रन कर रहा था। इसमें से कुछ जो मेन वर्कशॉप सेबी ने हाईलाइट किए जिन पे ऑब्जेक्शन था सेबी को, इन्हें 200x ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी एक बेचता था जिसमें लिखता था कि यू कैन मेक कंसिस्टेंट प्रॉफिट। एक 325 प्रीमियम स्ट्रेटजी थी जिसमें ये बोलता था कि यू कैन मेक मनी इन ऑल टाइप ऑफ मार्केट। पैसा बनाने का पूरा पूरा क्लियर दावा ये अपनी वीडियोस के जरिए लोगों को करता था और उसी के जरिए अपने कोर्सेज को प्रमोट किया करता था। MSP मेक श्योर शॉर्ट प्रॉफिट, श्योर शॉर्ट प्रॉफिट नाम से विद MSP यू कैन रिकवर
ऑल योर लॉसेज विद अ 99% गारंटी। प्रॉफिट और लॉस रिकवरी की ये गारंटी बेच रहा था लोगों को। बैंक निफ्टी शक्तिमान स्ट्रेटेजी शक्तिमान नाम से भी एक स्ट्रेटेजी बेच रहा था, गेट अ चांस टू अर्न 200-300% प्रॉफिट, 200-300% प्रॉफिट का दावा ये लोगों को बेच रहा था, अश्योरिंग और प्रॉमिसिंग विद अननेचुरली हाई डिग्री ऑफ सर्टेनिटी रिटर्न्स प्रॉफिट गारंटी रिकवरी फ्रॉम लॉसेस, जो पॉसिबल ही नहीं है, अननेचुरल हाई डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, ये इतने हाई प्रॉफिट का दावा करता था जो नेचुरली पॉसिबल ही नहीं है शेयर मार्केट में, क्योंकि सेबी ने एक रिपोर्ट भी पब्लिश की थी, उसमें बताया था कि 90% लोग यहाँ लॉस कर रहे हैं, इन्हीं सब रीजनों की वजह से ये ज़्यादातर लॉस होता है। इसमें एक इसका डिटेल भी शेयर की गई है, जिसमें इसने कॉल और पुट बाय सेल्स रेकमेंडेशन दी थी, इन्हें भी हाईलाइट किया गया है सेबी के द्वारा। D30 स्ट्रेटजी ऑप्शन बाइंग इज stated that D30 means daily 30 point sure shot profit. ये D30 strategy में लोगों को बोलता था कि daily 30 point का sure shot profit करवाएगा. Similarly, the course 360 degree expiry strategy is mentioned that minimum capital should be 30K to make 1 lakh every expiry. अगर आपके पास 30,000 रुपये हैं तो ये दावा करता था कि 30,000 रुपये लगाकर आप एवरी एक्सपायरी पे 1,00,000 रुपए बना सकते हैं इसके 360 डिग्री कोर्स और स्ट्रेटजी के जरिए। और आगे देख लेते हैं सेबी ने किन किन चीजों पे ऑब्जेक्शन किया है, सारी डिटेल आज मैं आपके सामने बहुत ही कम टाइम में रखने वाला हूँ। ये इसका कुछ पैन नंबर वगैरह सेबी ने शेयर किए, बाप ऑफ चार्ट हु इज लूटिंग द रिटेलर्स, क्लियर वर्ड्स में सेबी ने अपने ऑर्डर में मेंशन किया हुआ है, कंप्लेंट अगेंस्ट मोहम्मद नासिर आका बाप ऑफ चार्ट हु इज लूटिंग, लूटिंग वर्ड का इस्तेमाल किया है सेबी ने अपनी इस कंप्लेंट का रेफरेंस देने के लिए, लूटिंग द रिटेल ट्रेडर्स बाय शोइंग अश्योर्ड रिटर्न्स, जो बहुत बड़ा ऑब्जेक्शनेबल पॉइंट है, 100% गारंटी एल्स ही विल रिफंड 3 times अमाउंट पेड, वो बोलता था 100% हम मैं गारंटी दे रहा हूँ, अदरवाइज 3 गुना पैसा मैं वापस करूंगा आपकी पेमेंट का, श्योर शॉट 30,000, ओ गॉड क्या कर रहा था ये बंदा, श्योर शॉट 30,000 रिटर्न विद 1 lakh कैपिटल इन ऑप्शंस विद मिनिमम 50K रिटर्न्स ऑन द एक्सपायरी, 30,000 रुपए का रिटर्न 1,00,000 रुपए की कैपिटल लगाकर और कम से कम 50,000 का रिटर्न हर एक्सपायरी पे ये देने का दावा कर रहा था। द कंप्लेंट अलीग्ड दैट ही पेड 6,000 फॉर स्ट्रेटजी, जिस पर्सन ने कंप्लेंट की है उन्होंने बोला कि उन्होंने 6,000 रुपए इसके एवज में बाप ऑफ चार्ट को पे किए थे, इसके सारे स्क्रीनशॉट उन्होंने शेयर किए हैं और उसके ग्रुप की इंफॉर्मेशन भी शेयर की है जिन्होंने भी कंप्लेंट की थी। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा ऐसे लोगों को जो कम से कम हिम्मत करते हैं और आगे बढ़ते हैं, और इनकी ये हिम्मत और हौसले की वजह से और लाखों लोगों का पैसा जो करोड़ों रुपए लूटने वाला था वो बच जाएगा। मोहम्मद नासिर की जो सोशल मीडिया एक्टिविटीज हैं वो सेबी ने नोट डाउन करी हैं, और उसमें से जो फर्स्ट पॉइंट आ रहा है वो ये है, प्रॉमिसिंग क्विक एंड कंसिस्टेंट रिटर्न्स थ्रू ट्रेडिंग, वो अपनी ट्रेडिंग के थ्रू कंसिस्टेंट रिटर्न्स जनरेट करने का प्रॉमिस कर रहे थे, बस 5 मिनट में श्योर शॉट प्रॉफिट करो, 3 PM strategies posted on 6 January 2023. 6 जनवरी 2023 को उन्होंने 5 मिनट में श्योर शॉट प्रॉफिट का दावा पेश किया, गारंटी पेश की, जिसमें वो बता रहे थे 80-90% एक्यूरेसी से इसमें श्योर शॉट प्रॉफिट बुक कर सकते हो। इस वीडियो का स्क्रीनशॉट सेबी ने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन करके आप ये वीडियो देख भी सकते हैं। इसमें लिखा है पावर ऑफ ट्रेडिंग हाउ टू मेक 5-10 lakh एवरी मंथ, ये बता रहे थे कि 5-10 lakh rupees हर महीने कैसे जनरेट करें, 5-10 lakh एवरी मंथ इजीली बहुत आसानी से। ये शेयर मार्केट को ना एक केक की तरह रिप्रेजेंट कर रहे थे, जिसमें कोई भी आए इनका कोर्स खरीदे और उसे वो कट करे और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करके ले जाए। 85% एक्यूरेसी इन विच ही एक्सप्लेन 2 strategies
145 एंड 325 स्ट्रेटजी। बहुत सारी स्ट्रेटजी थी, इनको मेरे को लगता है कि खुद ही याद नहीं था, क्योंकि किसी स्ट्रेटजी में ये 50% प्रॉफिट का दावा कर रहे हैं, किसी में 200-300% का दावा कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं मैं 30% जनरेट करता हूँ रिटर्न्स, कभी कहते हैं मैं हर एक्सपायरी पे डबल कर देता हूँ। इनको खुद ही कंफर्म नहीं था कि ये खुद क्या करते हैं और क्या बेच रहे हैं, ये तक कंफर्म नहीं था। बस ये जो मन में आता था वो बोल देते थे और वो लोग फॉलो कर लेते थे। जो ब्लाइंडली प्रॉफिट की तरफ भागना चाहते थे, शॉर्टकट लेना चाहते थे, वो लोग इन्हें फॉलो करके, बहुत लोग ऐसे हैं जो फंसे हैं। लगभग 17 करोड़ से ऊपर का अमाउंट है जो इन्होंने कोर्स फीस कलेक्ट किया था। आगे देख लेते हैं, शॉर्ट में बताऊंगा ये सारी चीजें, मैं शॉर्ट पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर लिए आपके लिए। इस नोटिस को मैंने पहले 4 घंटे लगाकर पूरा पढ़ा है, समझा है, और फिर आपके लिए ये जो पॉइंट्स हैं इसके मेन हाईलाइट करके आपको बता रहा हूं। रिस्क फ्री ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी, ये रिस्क फ्री ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी बेच रहे थे। फ्राइडे श्योर शॉट ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी, रिस्क फ्री स्ट्रेटजी, ये अगेन एक और स्क्रीनशॉट है सेबी के द्वारा। 3 मंथ्स टेलीग्राम सब्सक्रिप्शन 12,000 रुपीज का बेचा जा रहा था, 12,000 रुपए। समझ रहे हो कितना बड़ा फ्रॉड चल रहा है? जिसको खुद ट्रेडिंग नहीं आती, जो खुद ऑलरेडी लॉस पे बैठा है, वो दूसरे लोगों को ये बताने की फीस ले रहा है कि प्रॉफिट कैसे जनरेट करना है, वो भी 12,000 रुपए 3 मंथ्स की फीस है। इवन मेरे पास बहुत सारे सब्सक्राइबर्स का ऐसा मैसेज भी आया, उन्होंने 6,000-12,000 रुपए इसे पेमेंट भी कर दी, उसके बाद ना तो कोई मेल आया, ना कोई मैसेज, और किसी भी ईमेल का रिप्लाई भी नहीं कर रही इसकी टीम। ऐसे ऐसे लोग पढ़े, ठीक है। और आगे देख लेते हैं कुछ हाईलाइटेड पॉइंट। सुपर 30 स्ट्रेटजी फॉर पर वीक श्योर शॉट 4% प्रॉफिट, हर हफ्ते 4% का प्रॉफिट सुपर 30। अभी ये वाला पॉइंट याद रखना, अभी कुछ पॉइंट ऐसे भी आएंगे कुछ स्ट्रेटजीज में, ये बोल रहा है हर एक्सपायरी पे पैसा डबल। अगर भैया हर एक्सपायरी पे पैसा डबल हो सकता है तो श्योर शॉट 4% प्रॉफिट कौन लेगा? हर एक्सपायरी पे डबल ही नहीं करेगा। इंडेक्स की एक्सपायरी देखें, निफ्टी की एक्सपायरी आ रही है, बैंक निफ्टी की आ रही है, फिन निफ्टी की आ रही है, मिड निफ्टी की आ रही है, सेंसेक्स की आ रही है, हफ्ते में 5 एक्सपायरी होती है, 5 दिन डबल करेगा बंदा पैसा। आगे देखते हैं, अर्न 200 आ गया ना, देखो अर्न 200-300% प्रॉफिट। एक जगह बोल रहे हैं कि श्योर शॉट 4% प्रॉफिट, 4% कौन लेगा जब आप 200-300% प्रॉफिट श्योर शॉट दे रहे हो? यहाँ पे बहुत बड़े लेवल का पागल बना रहे थे शक्तिमान स्ट्रेटजी। अब शक्तिमान भी स्ट्रेटजी बेच रहा है इनके लिए। मेरे को डाउट है कहीं ये वीडियो, मेरी ये वीडियो देखने के बाद या सेबी का ये नोटिस देखने के बाद, ये जो शक्तिमान का प्रोडक्शन हाउस है ना, कहीं ये भी इनको एक नोटिस ना भेज दे कि हमारे नाम से आपने जितना पैसा कलेक्ट किया है उस वो हमें दिया जाए। मोस्ट प्रोबेबली पॉसिबल है ये। और एक और स्क्रीनशॉट और देख लेते हैं जल्दी जल्दी, हम स्क्रॉल कर रहे हैं। द सैड वीडियो इज डाउनलोडेबल, कैन बी व्यूड ऑन स्कैनिंग QR कोड मेंशन बिलो। आप इसे स्कैन करके और भी वीडियोस देख सकते हैं जिसमें ये बहुत सारे प्रॉफिट के वादे कर रहे थे, लॉस रिकवरी के वादे कर रहे थे। और आगे देखते हैं, ये देखो शेयर होल्डिंग परसेंटेज यहाँ पे लिखा हुआ है। मोहम्मद नसरुद्दीन 25%, राहुल राव 24%, आसिफ इकबाल वानी 24%, मनसा अब्दुल्ला 15%, तब्रेज अब्दुल्ला 9%, जादव वामसी 2%, ज्योति मैमगेन 1%। ये सारे इनकी कंपनी में शेयर होल्डर हैं, ठीक है। और इनकी डिटेल यहाँ पे मैंने हाईलाइट की हुई है, यहाँ पे वीडियो पॉज करके देख सकते हैं सारी डिटेल, किस पे कितना था। 9 करोड़ रुपए राहुल के अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं, राहुल राव। 2.6 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए हैं अगेन राहुल राव के अकाउंट में। तब्रेज अब्दुल्ला के अकाउंट में अगर आप देखें 9 करोड़ रुपए फिर से ट्रांसफर हुए हैं, 9 करोड़ रुपए। फिर आसिफ एज अ डायरेक्टर ये भी वर्क कर रहे थे, इनके पास 24% शेयर था, इनके अकाउंट में भी ट्रांसफर हुए। यानी एक बंदर बांट चल रही थी, लोगों को बेवकूफ बनाओ, लूटो और फिर जो पैसा आए आपस में बांट लो। मनसा एंड वामसी आर शेयर होल्डिंग इन GSVPL होल्डिंग 15% 2% रिस्पेक्टिवली। देख रहे हैं आप, और भी सारी डिटेल सबकी यहाँ पे मेंशन है। आगे देख लेते हैं, सबके बैंक अकाउंट नंबर, बैंक नेम, ये सारी डिटेल और कितना अमाउंट किसने कलेक्ट किया था, सारा कुछ यहाँ पे मेंशन्ड है टेबल 11 में। एक और है उसमें और फर्दर, जो टेबल 12 में और भी इनके अकाउंट्स हैं वो भी मेंशन्ड है, किसमें कौन सा अकाउंट आया है UPIs के थ्रू। और UPIs भी अलग अलग अकाउंट्स में इन्होंने लिए हैं, बहुत सारे अलग अलग अकाउंट में, वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं। जैकपॉट एल्गो स्टॉक टिप्स, जैकपॉट के नाम पे, स्टॉक टिप्स के नाम पे बहुत सारे स्कैम ये रन कर रहे थे। नोटिस हैव बीन कलेक्टेड एंड
अमाउंट ऑफ 17 करोड़, समझ रहे हो, 17,20,76,616 रुपीज, इतना अमाउंट इसने अपने कोर्सेज और वर्कशॉप के नाम पे इन्वेस्टर, अलग अलग इन्वेस्टर से और ट्रेडर से कलेक्ट किया है। क्लियर कट लिखा है इसमें, थ्रू मिसलीडिंग, देखो ये लिखा, थ्रू मिसलीडिंग एंड फॉल्स इंफॉर्मेशन, ठीक है, क्लियर कट सेबी ने अपने ऑर्डर में लिखा हुआ है, अलीग्ड वायलेशन ऑफ सेबी एक्ट आईए रेगुलेशन। आईए रेगुलेशन में समझ लेते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट एक्सेट्रा, सेबी का एक्ट है, इस चीज के लिए रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है। अगर आप ब्रोकर बनते हो, सब ब्रोकर बनते हो या किसी के शेयर इधर उधर ट्रांसफर करना चाहते हो तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है। और इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी में आप बाय सेल किसी को बता रहे हो, किसी को प्रॉफिट का वादा कर रहे हो, ये सारा कुछ आता है। मिसलीडिंग ऑफरिंग अश्योर्ड रिटर्न्स, देखो क्लियर लिखा हुआ है, मिसलीडिंगली मतलब गलत तरीके से गुमराह करते हुए लोगों को, ऑफरिंग अश्योर्ड रिटर्न्स टू देयर क्लाइंट्स, अपने क्लाइंट्स को वो गारंटेड और अश्योर्ड रिटर्न का वादा कर रहे थे। क्लॉकिंग अ प्रॉफिट एक्यूरेसी ऑफ 95%, जो प्रॉफिट की प्रॉफिटेबिलिटी और प्रॉफिट एक्यूरेसी वो दावा किया जा रहा था उनके चैनल से, वो था 95%, और कई कई वीडियो में तो मैंने 100% तक सुना है। एक्टिव ट्रेडिंग टुक प्लेस इन टू अकाउंट्स प्राइमरली, इन्होंने दो अकाउंट्स में मेनली एक्टिव ट्रेडिंग की है। जैसा कि मैं अपनी कई वीडियोस में बता चुका हूं कि जो भी ऐसे स्कैमर्स होते हैं वो दो अकाउंट में ट्रेडिंग करते हैं, एक में बाय करते हैं, एक में सेल करते हैं। अब जिसमें भी उन्हें प्रॉफिट हो जाता है वो स्क्रीनशॉट या वो लाइव ट्रेडिंग अकाउंट आपके साथ वो शेयर कर देते हैं। उससे होता क्या है कि इनका लॉस एक से दूसरे में नॉक ऑफ हो जाता है और ये इजीली आपको बेवकूफ बना पाते हैं। लेकिन यहाँ पे इनका जो झूठ था वो सेबी ने पकड़ लिया। मैं थैंक्स कहना चाहूंगा जिन्होंने भी ये कंप्लेंट की है, उन्होंने बहुत हेल्प की है उन नए इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स की जो शेयर मार्केट में आएंगे या आ चुके हैं और जिनका पैसा इस कंप्लेंट के थ्रू, इस इंक्वायरी के थ्रू बच गया है अब, ठीक है। और ये अकेले नहीं है, ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर हैं। टाइम टाइम पर मैं अपने चैनल पे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को एक्सपोज भी करता रहता हूँ और बहुत सी वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाल रखी हैं अपने चैनल पे। ये तो बस शुरुआत है, अभी बैक टू बैक देखना और भी नाम आना बाकी है। जीरोधा और एंजल वन में ये ट्रेडिंग कर रहे थे और दोनों के लॉसेस को क्लब अगर कर दें, ये जो ब्रैकेट का अमाउंट दिखा रखा है ना, ये इनका लॉस दिखा रखा है, 2,89,60,828 रुपीज, लगभग 3 करोड़ के आसपास का इनका लॉस है खुद का इन 2 से 2.5 सालों में, जनवरी से लेके जुलाई 2023, जनवरी 2021 से जुलाई 2023 तक लगभग 3 करोड़ के आसपास का ये लॉस कर चुके हैं खुद अपने अकाउंट में। जबकि इनके सोशल मीडिया अकाउंट देखो ना, तो उसमें डेली ये 20 लाख, 50 लाख, 40 लाख और एक एक दो दो करोड़ के, 5-5 करोड़ के तो ये गिफ्ट बांट देते हैं, ये ऐसा दावा करते हैं। खुद लॉस में बैठे हैं लेकिन ये दावा कर रहे हैं कि 1-2 करोड़ के ये गिफ्ट बांट रहे हैं, डेली 40-50 लाख का प्रॉफिट कर रहे हैं। ऐसे ऐसे दावे इनके यूट्यूब चैनल से, इंस्टाग्राम चैनल से कई बार सामने आए हैं। नासिर हु क्लेम्स टू प्रोवाइड स्ट्रेटजीज फॉर ट्रेडिंग दैट वुड लीड 200-300% प्रॉफिट अश्योर्ड और नियर अश्योर्ड रिटर्न्स has actually incurred a net loss of 2,89,60,828 rupees. SEBI ने क्लियर कर दिया है इस एक लाइन के अंदर कि नासिर जो कि अपनी स्ट्रेटजीज के थ्रू 200-300% प्रॉफिट का अश्योर्ड रिटर्न्स देने का वादा करता था, दावा करता था, असलियत देखी जाए तो उसने खुद ने 2,89,00,000 रुपए से ऊपर का लॉस बियर करा हुआ है। और वो लॉस कहां से एडजस्ट हुआ, आप सबसे फीस लेके, आप सबको कोर्स बेच के, ठीक है। समझ जाओ सही और गलत में फर्क समझने के लिए एक सीधा सा पॉइंट बताता हूं आपको। आपको देखना बस इतना सा है कौन आपको गारंटीड बेच रहा है। जो भी आपको शेयर मार्केट में गारंटी वर्ड बेच रहा है ना, वो फ्रॉड करना चाह रहा है आपसे या तो अपना कोर्स बेचना चाह रहा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग एंड सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज और कंट्रोल, इस चीज का इनपे चार्ज लगाए और देख लेते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन डीलिंग इन सिक्योरिटीज, ठीक है, ये चार्ज है इनके ऊपर। मैनिपुलेटिव फ्रॉडरेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, बहुत बड़ा चार्ज है ये जो इनके ऊपर लगा है। कंक्लूजन पे आ जाते हैं, अब इस ऑर्डर का कंक्लूजन क्या है जल्दी जल्दी समअप करेंगे और बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको इस ऑर्डर का पूरा क्रक्स समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि मैं आपको बता सकूं कि कैसे लोग आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अपने झूठे सच्चे प्रॉफिट स्क्रीनशॉट दिखाकर। आपको उन प्रॉफिट के चक्कर में नहीं भागना है,
नॉलेज गेन करनी है और नॉलेज गेन करते हुए उसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है और फिर शेयर मार्केट में आगे बढ़ा जा सकता है। प्रोवाइड अ डिस्क्लेमर, इन्होंने अपनी वेबसाइट पे एक डिस्क्लेमर भी लगा रखा था, उस डिस्क्लेमर का स्क्रीनशॉट भी दिया है सेबी ने। ये देखो स्क्रीनशॉट भी दिया है, इस स्क्रीनशॉट में ये बोल रहे थे कि ही इज नॉट सेबी रजिस्टर्ड और जो भी ये कंटेंट शेयर करते हैं वो एजुकेशनल पर्पज के लिए करते हैं। लेकिन एजुकेशन पर्पज के नाम के अलावा सेबी ने क्लियर लिखा है कि इन्होंने उसी वेबसाइट पर झूठे दावे भी पेश किए जिसमें ये लोगों को श्योर शॉट प्रॉफिट की गारंटी बेच रहे थे, जनरेट कंसिस्टेंट प्रॉफिट। आप देख रहे हो इनका वही वेबसाइट कंसिस्टेंट और गारंटेड प्रॉफिट की कोर्स और स्ट्रेटजी भी बेच रही थी। आगे देख लेते हैं। और ऑन सेप्टेम्बर 5th 2023 नासिर पोस्टेड अ वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल टाइटल टीचर्स डे स्पेशल गिफ्ट फॉर ऑल स्टूडेंट। और मुझे याद है कि लगभग 1 करोड़ रुपए के गिफ्ट बांटने की बात इन्होंने करी थी अपने। पहले कह रहे मैं सब्सक्राइबर को दूंगा, फिर कह रहे जो कमेंट करेगा उसको दूंगा, फिर उन्होंने बोला कि जो शेयर करेगा उसको दूंगा, फिर इन्होंने बोला जिन्होंने मेरे कोर्स खरीदे उनको मैंने दे दिया है ऑलरेडी। दिया किसी को नहीं, मेरे नॉलेज में कोई भी ऐसा एक पर्सन नहीं है जिसको कोई गिफ्ट इनके इन थ्रू मिला हो। लेकिन इन्होंने दावा कर दिया कि 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के इन्होंने गिफ्ट दे दिए हैं, मेरी नजर में किसी को भी नहीं मिला। आगे देख लेते हैं। आगे और भी सेबी ने बहुत डिटेल रिसर्च की है इनके ऊपर और मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा सेबी के उन ऑफिशियल्स का भी जो इस रिसर्च का पार्ट थे, उन्होंने बहुत इन डेप्थ जाके रिसर्च किया। क्योंकि 4 महीने पहले जब मैंने भी रिसर्च करना चालू करी थी ना, मेरे सामने भी यही चीजें आई थी और मैंने अपने चैनल के थ्रू जब शेयर करना चाहा तो लोगों ने मुझे ही गालियां देना शुरू कर दी, तो मैंने फिर उन्हें रिप्लाई नहीं किया। मैंने उन्हें रिप्लाई करने के लिए अपने चैनल पे लाइव ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज शुरू किया जिसमें पिछले 2 महीने से लगातार मैं अपना एक एक ऑर्डर ट्रांसपेरेंटली शो कर रहा हूं और पहला YouTube का चैनल है मेरी नजर में जो ट्रांसपेरेंटली अपना एक एक ऑर्डर शेयर कर रहा है और वो भी छोटी सी कैपिटल लगा के कर रहा हूं मैं, ताकि लोगों को विश्वास भी रहे। और उसके साथ साथ हर ऑर्डर का एक्सचेंज आईडी, ऑर्डर नंबर, ऑर्डर रेफरेंस नंबर, एक्सचेंज रेफरेंस नंबर, ऑर्डर टाइम, ऑर्डर वैल्यू, ऑर्डर अमाउंट सब कुछ लाइव दिखा रहा हूं मैं इन जैसे लोगों को जवाब देने के लिए जो मेरी वीडियो पे कमेंट कर रहे थे कि आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे तो इसलिए आप दूसरों पे कमेंट कर रहे हो और उनको उम्मीद है जवाब मिल गया होगा। ठीक है, और आगे देख लेते हैं। कंसीडरिंग द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द प्रेजेंट मैटर एंड द बेसिस ऑफ प्राइमा फेसिया फाइंडिंग इट इज नेसेसरी टू टेक अर्जेंट प्रिवेंटिव एक्शन। सेबी ने क्लियर लिखा है कि अर्जेंट प्रिवेंटिंग एक्शन लेना बहुत जरूरी हो गया क्योंकि इनके सभी बैंक अकाउंट और इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह सब अभी भी एक्टिव हैं, इसलिए इन पर इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। ये ऐसी सिफारिश सेबी ने की थी एज पर द मटेरियल अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब फाइनल ऑर्डर की बारी है। फाइनल ऑर्डर क्या हुआ, ये थी अब तक की सिफारिश सेबी की और सेबी की जो भी इन्वेस्टिगेशन थी उसकी डिटेल। अब फाइनल ऑर्डर क्या है जल्दी से इसे समझने की कोशिश करते हैं। जो ऑर्डर है उसमें लिखा है नोटिसेस शैल सीज द डेजेस फ्रॉम एक्टिंग एज अ होल्डिंग देमसेल्फ आउट टू बी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर वेयर यूजिंग बाप ऑफ चार्ट और अदरवाइज दे शैल सीज टू सॉलिसिट और अंडरटेक सच एक्टिविटी और एनी अदर अनरजिस्टर्ड और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी इन द सिक्योरिटी मार्केट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन एनी मैटर व्हाट्सोएवर। उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है सिक्योरिटी मार्केट से ताकि कोई भी पॉसिबल फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी वो ना कर सके। 52.2 में देखते हैं रिस्ट्रेंड फ्रॉम बाइंग सेलिंग और डीलिंग इन सिक्योरिटी इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब वो ना तो कोई सिक्योरिटी बाय कर सकते हैं ना सेल कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों ही मैनर में, लेकिन एज ऑन द डेट ऑफ दिस ऑर्डर दे कैन क्लोज आउट स्क्वायर ऑफ सच पोजीशंस। अगर उनके पास कोई पोजीशन है वो विद इन 3 मंथ्स उसे क्लोज कर सकते हैं, उसके लिए उनको परमिशन दी गई है। ठीक है, डायरेक्टेड टू ओपन एन एस्क्रो अकाउंट विद द शेड्यूल कमर्शियल बैंक। एक एस्क्रो अकाउंट खोलने के लिए उनको डायरेक्शन दी गई है। उसमें क्या है कि उनके सारे अकाउंट जितने भी हैं उनको क्लब करके एक अकाउंट बनाया जाएगा सेबी की डायरेक्शन के थ्रू। वो एस्क्रो अकाउंट शैल बी क्रिएटेड इन फेवर ऑफ सेबी, सेबी के फेवर में वो अकाउंट खोला जाएगा। डायरेक्टेड नॉट टू डिस्पोज ऑफ एनी असेट, अब वो अपने किसी भी असेट को मूवेबल या इमूवेबल को नहीं बेच सकते। डायरेक्टेड टू प्रोवाइड अ फुल इन्वेंट्री ऑफ ऑल असेट्स हेल्ड ऑन द नेम ज्वाइंटली और सिवरली, इंडिविजुअल नेम पे या जॉइंटली नेम पे या कंपनी के नेम पे जो भी उनके असेट्स हैं मूवेबल या इमूवेबल, बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट सबकी डिटेल उन्हें 15 दिन के अंदर अंदर सबमिट करनी है। होल्डिंग बैंक अकाउंट्स, नो डेबिट्स आर मेड इन सेड बैंक अकाउंट्स
विदाउट द परमिशन ऑफ सेबी। अब जितने भी अकाउंट्स उनके पास हैं उनमें से किसी भी अकाउंट में वो विदाउट सेबी परमिशन के कोई भी अमाउंट विदड्रॉ नहीं कर सकते। सेबी शैल कम्युनिकेट द बैंक्स टू डी फ्रीज द अकाउंट, जब तक कि सेबी डायरेक्शन नहीं दे देता बैंक को डी फ्रीज करने के लिए, ठीक है। नोटिसेस आर डायरेक्टेड टू इमीडिएटली विदड्रॉ पब्लिक एक्सेस टू ऑल एडवर्टाइजमेंट। नोटिस भेज दिया गया है सारे एडवर्टाइजमेंट, रिप्रेजेंटेशन, लिटरेचर्स, ब्रोशर, मटेरियल, पब्लिकेशन, डॉक्यूमेंट और कम्युनिकेशन उनके हटाने के लिए, ठीक है। फर्दर देख लेते हैं नोटिस, डायरेक्टिंग देम टू रिफ्रेन फ्रॉम द एक्सेसिंग ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट एंड प्रोहिबिटिंग देम फॉर बाइंग और सेलिंग। उन्हें सिक्योरिटी मार्केट से फर्दर नोटिस तक के लिए बैन कर दिया गया है। अब वो ना तो यहाँ ट्रेडिंग कर सकते हैं ना कोई स्टॉक बाय और सेल कर सकते हैं। अ कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर शैल बी सर्व्ड अपॉन नोटिसेस स्टॉक एक्सचेंज बैंक्स रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स एंड डिपॉजिटरीज फॉर नेसेसरी एक्शन एंड कंप्लायंस विद द अबव डायरेक्शन। ये जितने भी डायरेक्शन ऑर्डर में दी गई है, जो डिटेल हमने आपके साथ शेयर की है, इसके लिए इन सभी पार्टीज को, स्टॉक एक्सचेंज, बैंक, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट को नोटिस ऑलरेडी सर्व किया जा चुका है ताकि वो इसका कंप्लायंस पूरा कर सकें। अनंत नारायण जी ने ये रिपोर्ट बनाई है, जो होल टाइम मेंबर ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन और सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, ठीक है। ये थी डिटेल नासिर और बाप ऑफ चार्ट की, कि कैसे उसने अपने साम्राज्य को बिल्ड किया, लोगों को झूठे सच्चे प्रॉफिट स्क्रीनशॉट दिखाकर, उनको गारंटेड प्रॉफिट या अश्योर्ड प्रॉफिट का रिटर्न्स का लालच देकर, उनको स्टॉक टिप्स और स्टॉक सर्विसेज या स्ट्रेटजीज के नाम पर अपने सेमिनार और अलग अलग कोर्सेज के नाम पर उनसे 17 करोड़ से भी ज्यादा का अमाउंट उसने लूटा। क्लियरली सेबी ने अपने ऑर्डर में मेंशन किया हुआ है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग जो भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, प्लीज और प्लीज ऐसे लोगों से बच के रहिए। और अगर आप सक्सेसफुल यहाँ होना चाहते हैं तो एक ही रास्ता है और वो है लर्निंग। लर्निंग कीजिए, उसे प्रैक्टिस कीजिए, उस प्रैक्टिस के बेसिस पे फिर धीरे धीरे आगे बढ़िए, तभी आप यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हैं। कोई भी शॉर्टकट तरीका ऐसा नहीं है कि आप कोई कोर्स या सेमिनार में जाकर रातों रात करोड़पति या अरबपति बन जाए। ये अब शुरुआत हो चुकी है। अब इस कड़ी में बैक टू बैक आपको नाम देखने को और भी मिल सकते हैं, जैसे कि अभी पिछले कुछ महीने पहले ही PR सुंदरम का नाम देखने को मिला था, अब नासिर का नाम देखने को मिला है। आगे और भी कई बड़े बड़े चेहरे एक्सपोज हो सकते हैं और उन सभी एक्सपोजर्स की डिटेल हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इवन अपनी रिसर्च के बेसिस पे भी मैं आपको हमेशा अलर्ट करता रहता हूँ। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए, और हमारे साथ बने रहना, बेल आइकन दबा सकते हैं आप अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो आप तक डायरेक्टली पहुंचे जब भी हम अपलोड करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अगर आप इस रिपोर्ट को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो ये रिपोर्ट ऑलरेडी सेबी की वेबसाइट पर अपलोडेड है, आप जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा आपके रेफरेंस के लिए।